कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुति प्रतिदिन एक कविता। कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत एक कविता के साथ। आज की कविता है हिदायतें। इसे लिखा है बाबुशा कोहली ने। आइए सुनते हैं यह कविता मेरी यानी कार्तिकेय खेतरपाल की आवाज में। उस आदमी से सहानुभूति रखना जो खराब कविताएं लिखता है। कविता हर हाल में जिजीविषा का प्रतीक है। इसे तुम इस तरह सोचना कि इस खतरनाक समय में कम से कम वह जीना तो चाहता है। उस आदमी पर मत हंसना जो दिशाओं को इतना ही जान पाया हो जितना कि मोबाइल स्क्रीन के चार कोने। दरअसल वह इस बात की संभावना है कि किसी ऐसे ग्रह में भी जीवन संभव है जहां पानी ना हो। उस आदमी को शुक्रिया कहना जिसने तुम्हें धक्का मार दिया था। तुम औंधे मुंह गिर भी सकते थे लेकिन जमीन पर धप से गिरने के बजाय साफ सुनाई देती है आसमान पर तुम्हारे पंखों की फड़फड़ाहट। उसके पास अपना वक्त खर्च करना जो तुम्हारा इंतजार करता हो। एक दिन जान तुम जाओगे कि उसके अलावा इस धरती पर किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। चाहे कितने ही धब्बे क्यों न हो, देह से भी पहले प्रेमी के सामने अपनी आत्मा निर्वस्त्र करना, दुनिया को किसी बच्चे की नजर से देखना, आंखें केवल सोने के लिए मत मूंदना, नदियों से एक संगीतकार की तरह मिलना, बुद्धिजीवी सेना का सामना करने के पहले मौन का कवच पहन लेना, बुद्धिमान के पास प्रश्नों के साथ जाना, बुद्धू के पास प्यार लेकर जाना, बुद्ध के पास नींद में चलते हुए जाना, मृत्यु जब आए तो उसे जागते हुए मिलना। भीड़ है बाजार में, चमकीले जीवन का हर यंत्र उपलब्ध है। चाकू है, चम्मच है, चाबी है, चांदी है, चंदन है, चादर है, कितने ही रंगों के धागे हैं, चोरी की चिंदी है, कमबख्त, एक सुई नहीं मिलती जो आत्मा के मांस पर ठक से चुभ जाए। अदृश्य के लहू का कतरा है आंसू, दुनिया जहान में सूखा पड़ा है। सुई गुम गई है सो आखिरी हिदायत, कोठरी में गुमी सुई को बाजार में मत ढूंढना। आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं वहां अपने कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की यह प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।